दिल्ली में पिछले हफ्ते की एक ये कह सकते हैं कि अच्छी बारिश के बाद एक बार फिर से अब उमस भरी गर्मी से लोगों का सामना हो रहा है। तो अगली राहत कब मिलेगी, आइए बात करते हैं। हमारे साथ हैं मौसम विभाग के विशेषज्ञ सती देवी जी। मैम जानना चाहूंगी सबसे पहले तो मैम सवाल ये कि एक महीना अगर दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो मॉनसून को हो चुका है, अब रेस्ट अब जो बाकी बचा हिस्सा है मॉनसून का वो किस तरह से आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर के लिए? दिल्ली एनसीआर के लिए मानसून का ऐसा कुछ फोरकास्ट तो स्पेशल नहीं होता है, छोटा एरिया के लिए नहीं करता है, बट फॉर द कंट्री, फॉर द सीजनल रेनफॉल फॉर द कंट्री एज ए होल, उनके लिए हम लोग फोरकास्ट तो देता है। तो अभी तो मानसून सीजन के बारे में बोलता है तो 4 महीना होता है मानसून सीजन, जून से लेके सितंबर तक होता है। उसमें हम लोग हाफ पोर्शन पार चुका है, अभी 2 महीना बाकी है। तो अभी कितना हुआ था टिल जुलाई 31 तक है, तो इट इज डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल वॉज -6%, दैट इज 94% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल मिला है। और अभी क्या है, अभी सेकेंड स्टेज मीन्स अगस्त एंड सितंबर लेके कितना हो जाएगा उनका फोरकास्ट अभी आज रिलीज हो गया है। तो अकॉर्डिंग टू दैट अभी अगस्त एंड सितंबर में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 95% ऑफ दी एलपीए, विद एरर तो रहता है प्लस और माइनस 8%, वो तो एरर रहता है। मैम पिछले हफ्ते एक अच्छा स्पेल देखने को मिला था दिल्ली एनसीआर में, इस बीच अब 3-4 दिन से राहत है, उमस लेकिन अब वापस आती जा रही है, तो ऐसे में अगला स्पेल आप कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं? भी तो यू सी लास्ट वीक में क्यों यू मे बी टॉकिंग अबाउट नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड स्पेशली दिल्ली एंड ऑल, तो क्या हो रहा था, इधर एक लो प्रेशर सिस्टम एक पड़ा था और उनके असर से ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वाइड स्प्रेड फेयरली वाइड स्प्रेड टू वाइड स्प्रेड रेनफॉल हुआ था, और इवन हैवी टू वेरी हैवी दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी भी चल रहा था। बाद में क्या हो गया, वो सिस्टम तो खत्म हो गया, और अभी और एक सिस्टम होने वाला है वो, बट वो भी ये एरिया में तो नहीं है, इट इज़ इन ईस्ट यूपी एंड ऑल। एक्चुअली मानसून का एक्टिविटी बहुत डेफिशिएंट में चल रहे हैं ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में, तो अभी ज़्यादा रेन वो साइड में ही चांसेस है। फिर भी इधर भी ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी थोड़ा स्पेशली हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली सब बोलेगा तो आइसोलेटेड टाइप ऑफ रेनफॉल तो हो रहा है, फिर भी परसों से 3 दिन 2 दिन के बाद थोड़ा और इंक्रीज होने का संभावना है। परसों से राहत मिलेगी, कितने दिन तक रहेगी? वो तो 3 दिन का हम लोग अभी फोरकास्ट दे के रखा है, तो परसों से थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं है तो भी रेनफॉल एक्टिविटी में थोड़ा इंक्रीज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो परसों से जो है एक अच्छी एक्टिविटी यानी वीकेंड पर रविवार से आपको एक अच्छी एक्टिविटी देखने को मिल सकती है दिल्ली एनसीआर में, जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से भविष्यवाणी की जा रही है। तो फिलहाल उमस भरी गर्मी का ही आपको सामना करना पड़ेगा, 2 दिन और परसों से राहत उम्मीद है आपके लिए मिलनी शुरू हो जाएगी। कैमरामैन अजीत के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।